अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो सब? तो वेलकम हो गया आप लोग का न्यूट्रल बॉट्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कसौटी नॉट जिंदगी की। तो आपने देखा कि पिछली एपिसोड के अंदर जो है ना, वो हमने पर्सनैलिटी गेस कर ली मैंने और फहद भाई ने मिलके। तो अब इनकी बारी है, अब मेरी और फहद भाई की बारी है। मैंने लिख दी है पर्सनैलिटी सामने और अब इन्होंने गेस करना है। लेट्स सी, हमने किसमें किया था 12 क्वेश्चंस के अंदर। अब लेट्स सी विदाउट हिंट किया था, उमर भाई और फहद भाई की जोड़ी क्या क्या करती है, तो फिर हम देखते हैं। तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जी सर। चलें। जी सर, पर्सनालिटी आपने सोच ली है, लिख ली है। उसको पहले नैरो डाउन करो ना। चलें जी। डेड और अलाइव? अलाइव। ठीक है। ताल्लुक एशिया से? एशिया से नहीं। ओके, एशिया से नहीं है। किसी जमाने में हो तो कह नहीं सकते। ये क्या बात है, किसी जमाने में हो कह नहीं सकते। किसी जमाने जो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मरवाते हैं। देखो नहीं नहीं, एशिया से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब तुम डायरेक्ट चले जाओ यूरोप में। चले नहीं, यूरोप में ना जाओ, अमेरिका पे जाओ डायरेक्ट, यूएस पे जाओ। हाँ जी, ताल्लुक अमेरिका से है। बात मोबाइल को नहीं। अच्छा, यूएस से नहीं है, अमेरिका से। ताल्लुक यूरोप से है? वहां से भी नहीं होता। यूरोप से? ये ऑस्ट्रेलिया। देखो देखो, एक मिनट, अभी तीन सवाल में है, एक चीज चेक कर लूं बस। एशिया से ताल्लुक नहीं है, अलाइव है। अमेरिका से ताल्लुक नहीं है, अमेरिका तो पूरा निकल गया ना, बराज अमेरिका। अब पीछे, अब यूरोप से इसको मैंने चौथा सवाल किया, अमेरिका कनाडा सारे निकल गए, सारे निकल गए ना। चौथा सवाल किया इसको के यूरोप, अब ये चेक कर रहा है यूरोप, अगर नहीं तो फिर वो नहीं। ये तो एशिया चेक करने लगा ना कि वो एशिया से तो नहीं है कोई। इसमें कोई एक्टर उक्टर पूछा होना? हाँ जी, क्या आपने पूछा है? मेरा पहला सवाल था आपसे कि डेड और अलाइव जो पहले थे वो हो गए, एशिया वाले को कंफर्म कर रहे थे ना। हाँ। नहीं नहीं, एशिया, एशिया से तो नहीं है। अमेरिका वाला सवाल पूछा था, वो भी आपने खत्म किया। तीन, ठीक है, तीन सवाल अमेरिका, अलाइव, एशिया और अमेरिका वाला। अब मैंने चौथा सवाल आपसे किया था यूरोप वाला। यस, ताल्लुक यूरोप से है। चार सवाल यूरोप। अच्छा जी, अब फहद भाई प्रोफेशन पे आते हैं पहले, क्योंकि लाइव पर्सनैलिटी है। यूरोप है यार, यूरोप की पहले नंबर पे जो फेमस चीज है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आ जाती है। पहले मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स है। मैं तुम्हारे वाली चीज को ले साइंटिस्ट में, लेकिन अलाइव जो फेमस, ये लोग नहीं गेस कर पाएंगे, इनकी सोच भी नहीं जानी है जो मैंने पर्सनैलिटी लिख दी है। बोर्ड आर्मी के लिए तो शायद ही बहुत डिफिकल्ट हो। अच्छा, मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट पे ये जा रहा है यार। तुम उसको दो दो करके पूछ लो ना कि स्पोर्ट्स है या एंटरटेनमेंट से है। देखिए, इनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है या एंटरटेनमेंट? स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है। एंटरटेनमेंट से फिर ऑब्वियस है। दो सवाल हो गए। नहीं दो नहीं, एक सवाल। आपने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट हो आप, उसमें से चूज करके बता दो यार। ये बता दो ना, ये तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं ना। हां, पांचवा सवाल है स्पोर्ट्स से या एंटरटेनमेंट से? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से ताल्लुक है। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनकी बहुत वर्सेटाइल है, बहुत बड़ी है। देखिए, मैंने कहा ना कि इनका ताल्लुक किसी जमाने में एशिया। आपने कहा नहीं है, ये आपने चेक करके भी बताया है। किसी जमाने हो सकता है, किसी जमाने में हो। दैट वाज हिज वर्ड्स। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है। अब ऐसा भी नहीं ना कि कोई, अच्छा हमने इधर आया हो थोड़ी देर के लिए और फिर चला गया हो। अब हम बेसिकली है वो यूरोपियन ही। अब हमने ये भी तो नहीं डिटरमिन किया ना कि मर्द है कि औरत है। तो ये अब आपकी गलती है, मैंने तो नहीं बताया। हम कह रहे हैं ना मेल और फीमेल। फीमेल। अच्छा जी, फीमेल पर्सनालिटी। यार अब चेहरे याद है, नाम नहीं याद। आपको पता है, इन दोनों को पता है, और इनमें से सबसे ज्यादा पता भी उमर भाई को है। ओ यार अल्लाह खैर करे। हाँ, वो एंटरटेनमेंट है तो फिर। लेकिन आप एंटरटेनमेंट में वो अब आई है। आई है, फीमेल है। फीमेल है ना, और वो हो गया था। हाँ, छह सवाल है, तभी छह सवाल है। फीमेल है एंटरटेनमेंट से, एंटरटेनमेंट में भी उन्होंने अब कदम रखा है, वरना पहले वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं थी। और भाई, एज को नैरो डाउन करें पहले। यार एज नैरो डाउन करना नहीं उसमें होगा, पहले ये देखो कि फीमेल एंटरटेनर जो अब एंटरटेनर बनी है, पहले नहीं थी वो। देखो एज तो, मतलब अगर ऐसी कोई बंदी हुई तो गिने चुने चंद फिंगर टिप पे होंगी। अगर तुम इतने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से फेमिलियर हो तो ये चार पांच क्वेश्चन में तुम वो फीमेल निकाल लोगे।
या तो यूरोप की कंट्री नैरो डाउन करो, लेकिन वो हो नहीं सकती। नहीं, यूरोप की कंट्री नैरो डाउन करने का फायदा नहीं है, कर लो ये। ओ सॉरी, ये मुझे नहीं कह रहा था, ये काट दी ना। नहीं नहीं चले, अगर ये इनसे भी पिंक कर ले तो फिर अब क्या कह सकते हैं वो। ये वैसे ये जो है ना, ये बड़ा लंबा, अच्छा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नैरो डाउन कर लो ना, फिल्म है, टीवी है, म्यूजिक है, क्या है वो, इसको हाँ, ये एक सवाल कर सकते हैं। फिल्म या म्यूजिक को कर, फिल्म म्यूजिक में कर लेते हैं कि उनका ताल्लुक फिल्म से है या म्यूजिक से है। आप इस तरह ना करें, आप सिर्फ मैं से ये पूछ लें कि फिल्म या टीवी। हाँ चलो इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, फिल्म या टीवी। फिल्म, तो सारा टीवी निकल गया, लेकिन इसमें बात तो फिर वही आ गई ना, फिल्म में है तो डेफिनेटली उसका सीरीज वगैरह, उसका मूवी लाजमी ताल्लुक एक्टिंग से है। ठीक है यार, मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग मेरे से अभी हिंट मांगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग मेरे से हिंट मांगे, मैं इनको कम से कम थोड़ा सा एक सही ट्रैक पे ले आऊं। मुझे मुझे अभी मेरे माइंड में कोई भी नहीं आ रही इस तरह की प्रश्न। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग मेरे से हिंट ले, मेरी तो सुन लो। जी जी जी, फिल्म अगर आ गई ना तो इसका मतलब है टीवी निकल गया, ड्रामा निकल गया, ठीक है, सिंगिंग निकल गई, प्रोडक्शन वगैरह ये वो सारी चीजें, एक्टिंग आ गई, एक्टिंग आ गई, ठीक है, डायरेक्शन आ गई, राइटर आ गई, ठीक है। अब ये चेहरा क्या देख रहे हैं उमर भाई? अब ये अगर अगर फिल्म कर दिया ना, तो फिल्म पर्टिकुलरली एक्टिंग पे आ गई, बेस्ड ऑन दीज फॉर जो है ना, जो जो अभी आई है, या तो वो प्रोड्यूसर होगी, एक्टर होगी, या डायरेक्टर होगी, राइटर होगी। अच्छा हम इसको जानते हैं, वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, आप इसको क्वेश्चन आले में कई बार कह चुके हो, जानते हैं, और उमर भाई ज्यादा जानते हैं, देख लो। पता तो फहद भाई को भी है, लेकिन उमर भाई का उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है। ओ यार ये कौन सा इंटरेस्ट है यार? नहीं कर सकते जहां तक मुझे लगता है। आठ क्वेश्चंस है, लेकिन ये गलत है, अभी सातवां सवाल हिंट ले ले। छह सवाल है हमारे। सर आपने सातवां सवाल किया है कोई फीमेल के बाद? नहीं नहीं, फीमेल वाले। अच्छा, एक मिनट, नहीं सातवां सवाल हमने वो किया ना, फिल्म या उससे। हाँ जी देखा, ठीक है, ये करते हैं उमर भाई। नहीं लिखा करें, ये मैंने लिख लिया, फिल्म से ताल्लुक ही मैंने लिख लिया। आठवां सवाल हमने आपसे करना है। नहीं अब उस पे आ जाओ ना कि ताल्लुक उसका सेंट्रल यूरोप से है, या ये पूछ लो कि ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है। ये सवाल उसमें कुछ कंट्रीज नैरो डाउन हो जाएंगी। कंट्रीज में हम अभी मतलब कि उसको उस तरह नहीं कर सकते ना, हमें तो अभी पर्सनालिटी का भी समझ आ रही। ओ यार जब एक कंट्री भी आ जाएगी तुम्हारे पास, फिल्म भी यार आप लोग हिंट क्यों नहीं ले रहे? यार हिंट ले लेते हैं, कौन सा मैं कोई कोई तकवा जरूरत में जाना। नहीं नहीं, पांच के बाद जिसने कहा हिंट ले सकते हैं। जी हिंट दें। मैं हिंट में इनको कहना चाह रहा हूँ, ये लोग बहुत डी ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं इनको डी ट्रैक ही रहने दूंगा, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा नैरो डाउन कर दूंगा चीज, और वो ये है कि मैं इनको ये कहूंगा कि आप यूके में देख लें। नहीं क्यों, यूके में क्यों देखें? यूरोप यूके में नहीं अब आता सर, यूरोपीय यूनियन अलग है और यूरोप कॉन्टिनेंट वो कॉन्टिनेंट, देखिए यूरोपीय यूनियन में और यूरोप कॉन्टिनेंट में एक तुमसे बात की थी सर। सर यूरोपीय क्वेश्चन, एक मिनट एक मिनट, आप लोग मैंने तुमसे उसमें बात की थी, मैंने मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि हम यूके को नहीं देखेंगे, हम अमेरिका को नहीं देखेंगे। एक मिनट एक मिनट, बात हो रही है कॉन्टिनेंट की। नहीं नहीं, आप गूगल कर ले, गूगल करें यार, नहीं गूगल करें कि क्या यूके, देखें यहाँ पे यूरोपीय यूनियन निकल चुका है सर, यूरोप कॉन्टिनेंट से कैसे निकल सकता है? पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। इसी तरीके से वो कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, यूरोप कौन, आपने यूरोपीय यूनियन कहा था कि यूरोप कॉन्टिनेंट कहा था, यूरोप कहा था, यूरोप कॉन्टिनेंट था ना यार, यूरोप कॉन्टिनेंट ठीक है वो आपकी बात, यूरोप कॉन्टिनेंट देखो तो शेंजन में भी अब तो यूके नहीं आता, सर यूरोपीय यूनियन में नहीं आता सर, यूरोपीय यूनियन सर, हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हम यूरोपीय यूनियन की बात नहीं कर रहे। यूरोप पाकिस्तान सार्क से निकल गया है तो हम तो यही कंसीडर करेंगे ना, पाकिस्तान सार्क में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट में तो पाकिस्तान एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? यार एशिया यार ये भी देख लेते हैं, चेक कर ले, करें चेक करें। अच्छा मुझे लगता है इसने वो यही चेक किया, समय लग गई है कॉन्टिनेंट की बात। ये तो तुमने खुद डी ट्रैक किया है। नहीं नहीं नहीं, डी ट्रैक नहीं किया। नहीं यार
लेकिन अभी भी ये यूके के ऊपर भी डी ट्रैक में ही रहेंगे। नहीं ये बस चेक करो करो करो, ऑडियंस को भी दिखा दे, मैं तो दिखाऊंगा वहां पे लिखा हुआ। यूरोपीय यूनियन एक अलग चीज है और यूरोप कॉन्टिनेंट एक अलग चीज है। सीना आ गया यार, यार ये यार बस कर दे, अब ये चीटिंग कर रहे हैं और नहीं चीटिंग कर रहे हैं यार, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा, लेकिन आप अभी क्या पर्सनैलिटीज देख रहे हैं। नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, ये व्यूअर्स को दिखा रहे, ये देखें ये देखें, और ये एक्ट्रेसेस, और ये नहीं 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 ये चीटिंग कर रहे हैं, उमर भाई चीटिंग यार, ये तुम्हें हमदा, मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाता हूं, दिखाओ आप एक्ट्रेसेस ना देखें, ये देखें ब्रिट यार, वो पुराना वो सर्चिंग है। नहीं नहीं तो यार बात ये है कि अगर तुम हमें उस टाइम टॉक देते ना, ये चौथा सवाल था, चौथा सवाल नहीं तो मैंने पूछा भी था, तुम्हें टोकना भी चाहिए था यूरोप में। अगर मैं तुमसे यूके पूछ रहा हूँ तो तुम्हें कहना चाहिए उस वक्त, ये कहना चाहिए था कि गूगल भी गलत है, गूगल भी गलत है, सिर्फ ये लोग ठीक है। ये चलो यार ठीक है, मान लो इसकी बात, ये देखिए ये देखिए, वो आपको पता तो है कि वो अड़ गए तो अड़ जाता है। अच्छा ओके ओके ओके, और यार उसको तुम छोड़ दो, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ कि हम अगर यूरोप कह रहे हो तो हम यूके में नहीं देख रहे, उस टाइम तुम चुप बैठे हो, ठीक है उस टाइम तुम बोल नहीं रहे, अब आके जो है ना 8 क्वेश्चन आया करने के बाद कह दिया नहीं नहीं यूरोप, आप यूके की तरफ देख लो, ये सिर्फ आप पढ़े यूके इज अ कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप बट लेकिन हमारी भी तो सुनो ना, जब हम एक चीज कैटेगराइज कर रहे हैं कि जी हम यूके, इसका मतलब मैंने तुम्हारे सामने कहा, तुमने आगे से कह के तुम बोले ही नहीं, चुप रहे हो। इट लेफ्ट द यूनियन ऑफिशियली, यूनियन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, आप मेरे से ये पूछ रहे हो यूरोपियन यूनियन सिंस इट्स एस्टैब्लिश्ड, यूरोपीय यूनियन में और यूरोप कॉन्टिनेंट बन गया ना, ये चार क्वेश्चन वापस आने चाहिए हमारे पास, आप चैन ले लें ले ले, चार क्वेश्चंस भी ले ले, चलो मैं पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट कर, अब तुझे मेरे क्वेश्चन ले रही है, अब कर ले गैस, हालांकि ये भी, हालांकि आपको भी पता है ये मैंने इनको वैसे ही दे दिए, ये फिर भी नहीं कर सकते, हालांकि देखे इन्होंने, हम नहीं करते, हम 8 से करते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, यूरोप कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन की बात, अच्छा चलो ठीक है सर, सर मैं उनसे बात करूं, आप अपना जारी रखें यार, ये वो यार उनको भी पता है, अड़ जाए ना, अड़ जाए अड़ जाए, तो ये तो जो देख रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा मैंने किस पॉइंट पे क्वेश्चन, ये लोग रो रहे हैं, अगर तुम काटो ना तो देखिए यूके यूरोप में है, अच्छा ठीक है यूके यूरोप में, आप चले आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या यूके यूरोप कॉन्टिनेंट में है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, मैं बोर्ड से भी से पूछ रहा हूं, वो तो देख के तुम्हें लिख के दे दे कि हां है, इसने कहा है कि जी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है, फीमेल और अभी अभी रिसेंटली आई है, ठीक है, और ताल्लुक का तो तुम्हें पता, यूके से है, अभी आपने चीटिंग भी किया गूगल पे यार, कर रहे थे नहीं कर रहे थे यार, झूठ भी यार, मेरी बात सुनो एक मिनट, ये जो मैं चीज यार, अच्छा आप टाइम ना वेस्ट करें, आप ठीक है कर कर भी रहे थे कह रहा है, फिर भी नहीं पहुंच सकते, तो कोई भी नहीं आ रही, तुम ही ज्यादा करते हो, अब इन्होंने इस तरीके से किया तो थोड़ा सा मैं भी रिजिट रहूंगा, अब ये चारों पर फैशन नैरो डाउन कर लो, कि यही हो सकता है यार, एक्टर है भाई, प्रॉपर्ली एक्टिंग एक्टिंग में ही उनका तल, तो एक्टिंग लिखे पांच में लिख ले यार, नहीं हम 8 में से कर रहे हैं, नहीं भाई हमें सांग नहीं ले रहे, एक्टिंग से तल हार रहे हैं ये लोग, हार रहे हैं, अच्छा राइटर है, आई थिंक सो राइट भी किया है, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मोबाइल दिखाऊं यार, ये वो पर्सनालिटी पूछ रहा है जिसपे यार, मेरी एक एक बंदी ने फिल्म बनाई है अभी, लेकिन ये इसकी तरफ जाएगा नहीं, आप मुझे लग रहा है आप पहुंच रहे हैं मुझे लग रहा है आप पहुंच रहे हैं, उसमें काफी पाकिस्तानी एक्टर्स भी गए हैं उस फिल्म में, अगर वो ये वो समझता है ये वही है तो फिर वो हो सकती है, इसमें राइटिंग का अभी मैंने पूछा ना, 9वां सवाल, कॉल आ रही है, कोई बात नहीं काट, एशिया का, एशिया के साथ कोई ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा एशिया ठीक है ठीक, अब जज है ना वो थोड़े से थे, मैंने क्या बात कही थी, हाँ हो सकता है आए गए हो उसका, आपने इसमें यही कहा था कि आए गए हो, एशिया में किसी के साथ इस बंदे का पहुंच गए हैं, फारद भी पहुंच गए हैं, बताओ रहा है, पहुंच गया फारद, वो पर्सनालिटी पाकिस्तान से है, अच्छा पहुंच गए, इसका ताल्लुक जिसके साथ इनका ताल्लुक रहा है पाकिस्तान से है जी, अच्छा वो
इनके स्पाउस भी रहे हैं जी, आपने जमाइमा खान को ये देखो ना, एक मिनट कहा था वो बोल गई है, नहीं 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 देखो उनका कौन सा ताल्लुक एक्टिंग से रहा है, एक्टिंग से तो बताया ही उसने, ये अभी आपने आठवें सवाल में कहा है, अभी अभी बोर्ड साहब में आपने देख लिया, मैं काटूंगा नहीं, मैंने नहीं काटा, ये तो फंस जाएगा, बात मैंने कहा था एक्टिंग से तो कहा ही नहीं यार, लेकिन मैं लगाऊंगा बात उमर भाई, यार एक्टर है भाई properly acting acting no. नहीं उनका तल चल है जी, जमाइमा खान ठीक है यार पहुंच जाना था मैं, लेकिन आपने फीमेल और फिल्म में मैं पहुंच, जब उसने एक्टिंग काटा ना तो मैं पहुंच गया था, मैंने कहा देखा था अच्छा आप और दूसरा उसने कहा कि रिसेंट आया, रिसेंट आया तो फिर जब मैं गया एशिया में उसने कहा जी तुम एशिया वाले कैसे में जब फंसे हुए थे मैंने, तो मुझे उधर से आइडिया होगा मैंने ये चक्कर होगा नहीं, लेकिन इसका आप ये कह सकते हैं कि ये नहीं आप कह सकते थे कि जी एशिया से दूर दूर तक नहीं, अब वो आई मैं एक मिनट आप खामोश हैं, मैंने क्या बोला था एशिया, उसने कहा था एशिया से भी हो सकता है, नहीं नहीं सुने इस तरह नहीं यार, मैं भी तो मैंने नहीं एक मिनट क्या ये एक मिनट थी कि वो एशिया में आए हो गए हो चले गए, देखिए मेरी बात ये भी मैं लगाऊंगा, देखिए मैंने कहा ना कि इनका ताल्लुक किसी जमाने में एशिया, आपने कहा नहीं है ये आपने चेक करके भी बताया है, किसी जगह हो सकता है किसी जमाने में हो, दैट वाज हिज वर्ड्स, ऐसा भी नहीं ना कि कोई अच्छा हमने इधर आया हो थोड़ी देर के लिए हो फिर चला गया हो, अब हम बेसिकली है वो यूरोपियन ही, अब हमने मैंने जब आपको कहा था कि उनका ताल्लुक एशिया से है, आपने कहा उनका ताल्लुक एशिया से नहीं है, नहीं है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन आपने साथ ये भी कहा था कि हाँ अच्छा वो कभी आए हो ठीक है, क्या नहीं आए क्या नहीं अच्छा एक मिनट उमर, अगर ये ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर ये चौथे क्वेश्चन के बाद ये यूकल डर्विन कर लेते ना तो ये इजी हो जाना था, इजी हो जाना था, लेकिन उतने क्वेश्चन ही है ना जितने में हमने उधर से किया था, नहीं नहीं इनकी गलती है, नो 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 सर वो आगे इतने तो सवाल करते जीते हो 11 क्वेश्चन नहीं नहीं जज साहब के लिए तालियां यार, उनके लिए बनती है आप तो यार आपके को ना ये तो चीटिंग कर रहे थे मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं, इसने मुझे घुमाया फिल्म में भी क्या वो फिल्म मैंने सही फाद मैंने सही बताया कि नहीं बताया खुद बता, बिल्कुल रीसेंट आई है कोई फिल्म मैंने आई है वो फिल्म देखे वो पहुंच गए ना वो पहुंच गए हैं पहुंच गए मतलब ये थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी था इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया था, अगर कौन उस फिल्म से होता तो शायद मैं गैस ही ना कर सकता, कौन सी है जो अभी आई है, बाकी ये जो चीजें इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगे हैं वो नहीं लगाए, वो क्लिप्स लगेंगी, क्लिप्स लगेंगी, चले जी ये तो अभी शुरुआत है, तो नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड्स आएंगे उसमें बहुत फेमस और गंभीर पर्सनालिटीज जिसमें अभी तो ये शुरुआत में हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, फिर हो सकता है टिश्यू बॉक्स भी उठ उठ के पड़े, लेकिन वो ठीक था जो उसने हमें कहा ना कि आप उधर डी ट्रैक हो रहे हैं, डी ट्रैक डी ट्रैक ही हो रहे हैं, हम तो उसके में आए तो नैरो डाउन हो गया, लेकिन नहीं हमजा भाई ठीक है अच्छा है, और ये जो वो रिसेंटली वाला था वो बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो अगर हमारी बोर्ड्स आर्मी को ये एपिसोड अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें, तो और आप हमें अच्छी अच्छी सजेशन दें कि हम इसमें मजीद क्या चेंजिंग कर सकते हैं या हमें क्या इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए, तो आपके फीडबैक के हम मुंतजर रहेंगे, मुझे हमारे जज साहब को हमजा को इजाजत दें, अपना और अपने गिरदनों का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट कसौटी के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।